इस वीडियो को देखने से पहले सुकैम के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सुकैम फीएम का एक नया प्रोडक्ट स्मार्ट एलईडी बल्ब के वर्किंग को समझेंगे। ये स्मार्ट एलईडी बल्ब 6 वॉट का है और इस पे आप 1 मिलियन कलर कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। आप अपने एप्पल या एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल्ड एक ऐप की मदद से इस स्मार्ट एलईडी बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्मार्ट एलईडी बल्ब के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इनबिल्ट है, जिससे कि आप इस बल्ब को ऑटोमेटिकली अपने एंड्रॉयड फोन या एप्पल फोन के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गूगल प्ले स्टोर है। इस पे हम एक्स लाइट प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम ऐप को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऐप का होम पेज है। अब हमें अगर स्मार्ट एलईडी बल्ब को ऐप से कनेक्ट करना है तो हमें सिर्फ स्मार्ट एलईडी बल्ब को ऑन करना होगा। आप देख सकते हैं, बल्ब ऑन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐप ने बल्ब के साथ कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए 2 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, जिससे कि आप बल्ब को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ऐप के होम स्क्रीन पे एक गेम प्रोवाइडेड है जिसमें अलग अलग कलर्स के बबल्स हैं। इनमें से किसी भी कलर के बबल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एलईडी बल्ब उस कलर को शो करेगा। इसके अलावा कलर को चेंज करने के लिए एक और ऑप्शन होम स्क्रीन पे प्रोवाइडेड है। इससे आप अलग अलग एलईडी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, जैसे कि सनसेट, उसके बाद सन लाइट कलर, कैंडल, हिप्नोटिक। आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर से एलईडी अपने कलर्स को कैसे चेंज कर रहा है। अगला ऑप्शन है फ्रॉम कैमरा। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो भी कलर कैमरा कैप्चर करेगा, एलईडी उस कलर पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैमरा करंटली येलो कलर पे फोकस्ड है और एलईडी येलो कलर में ग्लो कर रहा है। अब हम कैमरा को जैसे ही ब्लू कलर में फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं, एलईडी ब्लू कलर में टर्न हो गया है। उसके बाद होम स्क्रीन पे फिर जाने के लिए आपको बबल मोड पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा होम स्क्रीन पे 3 और ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, इंटरैक्शन, सीन और सेटिंग्स। पहले हम इंटरैक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 गेम्स प्रोवाइडेड हैं। पहला गेम है पिंच बॉम्ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो एलईडी बल्ब पे शो होगा। उसके बाद है बेबी लव कलर। इसमें से जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो एलईडी स्क्रीन पे शो होगा। अब अगला गेम है हार्ट फीलिंग। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने फिंगर को कैमरा पे पोजीशन करेंगे और उसके बाद रैंडमली हार्ट बीट काउंट होगा और एलईडी बल्ब आपके हार्ट बीट के अकॉर्डिंग लाइट भी चेंज करेगा। अगला इंटरेस्टिंग फीचर है शेक एंड डांस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको शेक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसे देखने के लिए हम अपने फोन को शेक करेंगे और मूवमेंट के अनुसार एलईडी बल्ब कलर चेंज करेगा। उसके बाद आप डांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डांस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप अपने फोन के साथ कोई भी डांस स्टेप परफॉर्म करेंगे तो एलईडी बल्ब साथ साथ चेंज होगा। तीसरा ऑप्शन है सीन। सीन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है ब्रेथ। इस पे क्लिक करके हम एलईडी के कलर्स बदल सकते हैं। पहला ऑप्शन है रेनबो। अब आप एलईडी पे देख सकते हैं, एलईडी रेनबो कलर में चेंज हो रहा है। उसके बाद रेनबो एस, अब आप देख सकते हैं एलईडी हार्ट बीट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है।
ये अलार्म ऑप्शन है। उसके बाद फ्लैश, उसके बाद ब्रीदिंग्स, लास्ट ऑप्शन है सनसेट। तो इस तरह हम एलईडी के कलर्स बदल सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है डे नाइट। इस सेटिंग्स में दो ऑप्शंस है, गेट अप और गो टू स्लीप। इसके हेल्प से आप अपने एलईडी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस सेटिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको इसको ऑन करना होगा। अब हम गेट अप के ऑप्शन को समझते हैं। करंटली आप देख सकते हैं टाइम 2:48 PM है और हमने अलार्म सेट किया है 2:49 का। अब देखते हैं कि एलईडी कैसे शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2:49 है और एलईडी बल्ब ऑन हो चुका है जिस टाइम पे हमने अलार्म सेट किया है। अब ये एलईडी 3 मिनट तक ऑन रहेगा। अगला सेटिंग है गो टू स्लीप। इसके लिए आप देख सकते हैं करंटली टाइम दिखाई दे रहा है 3:06 और हम अलार्म लगाएंगे 3:07 का। अब 3:07 के 3 मिनट के बाद एलईडी ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी बल्ब धीरे धीरे बंद हो रहा है। इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग फीचर देखेंगे कि एक एलईडी बल्ब म्यूजिक के साथ कैसे चेंज करता है। इसके लिए आपको म्यूजिक पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं एलईडी बल्ब म्यूजिक के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। अगला ऑप्शन है शेड्यूल। शेड्यूल में दो ऑप्शंस हैं, अलार्म और काउंटडाउन। दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एलईडी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब अगला सेटिंग्स है ग्रुप। इसमें आप ऐप से कनेक्टेड मल्टीपल एलईडी बल्ब्स को ग्रुप में ऐड करके ऑपरेट कर सकते हैं। अगला है सेटिंग्स। इस पे क्लिक करके आप अलग अलग ऑप्शंस की हेल्प से एलईडी को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिटेक्ट कॉल इन, इसको पहले हम एनेबल करेंगे और जैसे ही आपके फोन में कोई कॉल आएगा तो एलईडी बल्ब ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फोन पे कॉल आ रहा है और एलईडी बल्ब अकॉर्डिंगली ब्लिंक कर रहा है। ये स्मार्ट एलईडी बल्ब 600 लूमेंस की इंटेंस लाइट जनरेट करता है जो कि एक साधारण 6 वॉट के बल्ब से काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये स्मार्ट एलईडी बल्ब डिजाइंड है 30,000 घंटे चलने के लिए। तो इस तरह हमने सुकैम फीएम के स्मार्ट एलईडी बल्ब के कलर कॉम्बिनेशंस और वर्किंग कंडीशंस को समझा और ये जाना कि ये एलईडी बल्ब कितना स्मार्ट, एफिशिएंट और पावरफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सुकैम्स यूट्यूब चैनल।